अस्सलाम वालेकुम। तो आज है 11 जुलाई और मैं आई हूँ अभी घर पे हॉस्पिटल से, क्योंकि अभी चार्जर का पॉइंट, चार्जर एक भी पॉइंट नहीं था और चार्जर का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, इस वजह से आना पड़ा मुझे। सुबह सुबह मैं जल्दी ऑटो से आ गई हूँ और अभी रेहान है उधर, तो जल्दी जल्दी मैं तैयारी करके निकल गई। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ क्योंकि ठीक है ठीक है, बेटा बेटा बाय कर रहा गाइस। मैं इसलिए आना पड़ा रिटर्न क्योंकि चार्जर नहीं था, फ़ोन में बिल्कुल चार्जिंग नहीं थी और कुछ सामान भी था, इसके कपड़े वपड़े थोड़े और चाहिए थे, ब्लैंकेट भी चाहिए था, और आपके जीजू भी आए हैं, कल ही आए थे वो, तो इस वजह से ऐसे इमरजेंसी में वो भी आ गए गाइस। इतनी तकलीफ है क्योंकि उनको मालूम है ना मैं अकेली पड़ गई हूँ हॉस्पिटल में, और अम्मी अब्बा तो आते ही है, खाना भी लेने के लिए आए अम्मी अब्बा, तो ऐसे सिचुएशन में बोलते ना वो आ जाते हैं। अब दवा खाने का बोलते ना पता नहीं चलता बीमारी का बच्चों को, इस वजह से मैं बहुत स्ट्रेस में थी कल रात में, और इतना जब एडमिट करी ना तो लिटरली मेरे आंसू आ गए थे गाइस, इतनी ज़्यादा वो हो गई थी इमोशनल, क्योंकि बिकॉज मेरे को बहुत वो लगता है कि जैसे जैसा बच्चा बड़ा हो रहा है कुछ चीज़ें ना हो उसको, जैसे मैं अभी सिर्फ चाय पी के निकल रही हूँ और कपड़े वपड़े वॉश करके ली हूँ, हाथों से आज वॉश करी हूँ, वॉशिंग मशीन लगाने का टाइम भी नहीं था, बर्तन वर्तन थोड़ा वॉश करी हूँ, अम्मी तो खाना वाना लाकर पहुँचा भी दिए, अभी बज रहे हैं सुबह के 9। चलिए गाइस निकलती हूँ जल्दी जल्दी, और प्लीज़ आप लोग सभी दुआ करिए मेरे बच्चे के लिए। अरे ना यहाँ पे अभी मैं रुकी हूँ हमारे एरिया में ही, क्योंकि चावल की रोटी यहाँ पर मिलती है ना, तो सोच भी जाते थे चावल की रोटी भी लेके चले जाती हूँ, क्योंकि अभी अम्मी ने रोटी लेके आई कि नहीं चावल लेके आए पता नहीं, मुझे चावल तो लाए होंगे क्योंकि रोटी अम्मी क्या घाई घाई में काम के हिसाब से रहते हैं ना, तो मैं सोच रही रोटी भी चावल लेके जाती हूँ, कुछ ऐसा रहा तो फिर यहाँ से मैं ले लूँगी, हमारे एरिया में ही है जहाँ पर मैं रहती हूँ, आपको दिखा दूँगी इसका बोर्ड, तो ले लेती हूँ क्योंकि बच्चा रोटी भी खा लेगा उस हिसाब से, अब घर पे क्या रोटी बनाने का टाइम नहीं है। भाभी है ना मेरे बड़े वाले भाभी गए हैं गाँव में, वरना वो रहते ना तो अम्मी का टेंशन रहता नहीं था, अम्मी फटाफट मंगवा लेते थे वहाँ से रोटी चावल की भी या फिर गेहूँ की रोटी बना लेते थे। तो बस अभी फिलहाल मैं रुकी हूँ, आधा घंटा रुक के यहाँ से फटाफट लेकर ही निकलती हूँ मैं गाइस, और आप लोग सभी दुआ करना गाइस प्लीज़ मेरे बच्चे के लिए। ऐसे सिचुएशन में बोले ना कुछ समझ में नहीं आता है क्या है क्या नहीं, कल का खाना यकीन मानेंगे आप, कल दोपहर का खाना भी नहीं खाए थे, डायरेक्ट आपके भाईजान के साथ ही मैं रात में बोलते ना हम लोग रात में खाना खाए हॉस्पिटल में, ऐसे तकलीफ में बोलते ना इतना वो आते हैं ना सच में, और ऐसे में क्या होता है माँ बाप साथ में है ना गाइस, तो इतना वो एहसास नहीं होता है तकलीफ का, थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग लगता है चीज़ की, चलो पेरेंट्स है मेरे कहीं ना कहीं, तो बस वही चीज़ें हैं। और कुछ कंपेयर ऐसे भी है चीज़ों को लेकर जैसे कि आपसे मैं शेयर करना चाहती हूँ कि चलिए अभी शेयर नहीं करूँगी, थोड़ा समय नहीं लग रहा है मुझे वो कंपेयर करो चीज़ों को शेयर करो आपसे, लेकिन मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी बातों को लेकर। फिलहाल अभी जल्दी से रोटी लेके मैं निकलती हूँ गाइस और आपसे मिलाती हूँ रियान को। तो ऑटो लेके मैं जैसे ही निकली तो मैंने बीच में सोचा कि रियान के लिए थोड़ा सा फ्रूट्स ले लूँ ताकि वो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट फ्रूट्स से कर ले, तो यहाँ से मैंने एप्पल ले ली, थोड़ा पपैया भी ले ली हूँ क्योंकि वो नाश्ता सुबह नहीं कर पाया था, तो इसलिए मैं सोची जाते जाते ले लो, और जल्दी जल्दी मुझे पहुँचना था क्योंकि पहले तो उसकी दवाई का टाइमिंग रहेगा, इस वजह से। तो आप देख सकते हो इसको सिर्फ एक ही सलाइन लगाए थे और अल्लाह के करम से ये बहुत अच्छा है आप लोगों की दुआओं से। और एक दिन से पूरा दिन से रियान ने कुछ भी नहीं खाया था, तो उसको इतनी भूख लग रही थी सलाइन लगाने के बाद, तो ये मैंने सेब उसको कटिंग करके दे दिया, मैंने उसको बुलाया पेट भर खा चबा के, कहा कोई टेंशन मत ले और ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया कर अभी फ़िलहाल, क्योंकि बिकॉज़ बहुत स्ट्रेस लेने लगा है ना इस वजह से। तो मैंने तो नाश्ता नहीं करी थी सुबह सुबह, अम्मी 7 से 8 बजे कुछ आकर गए वहाँ पर हॉस्पिटल में, और उन्होंने यहाँ पर ये चावल की रोटी तो मैंने लेके रखी थी, साथ ही साथ अम्मी ने पाव भी लेके आ गए थे फ्राई करके, और इसी के साथ ही साथ चिकन की ग्रेवी भी थी, चिकन की ग्रेवी आप देख सकते हैं अम्मी ने सुबह सुबह बना लिए थे नाश्ते के लिए, और रियान के लिए दाल और चावल। अल्लाह के करम से अच्छा ही है मेरा बच्चा। दुकान के लिए बाहर आई थी, चाय की शॉप ही बंद है यहाँ पे, अल्लाह का शुक्र है ज़रा अच्छा है। चलो आगे देखती हूँ चाय मिली तो निकलती हूँ। तो रियान अभी अच्छा है अल्लाह के करम से, खाया है सेब वेब, समझ में भी नहीं आता है हॉस्पिटल आना बोले ना तो देखो क्या पिन कही लड़कों वाली चप्पल। अभी अल्लाह का करम है अम्मी भी खाना रखे गए तो अभी खाई हूँ मैं, नाश्ता समझ लो अभी करी हूँ मैंने, तो दोपहर में भी खाना लेके आ जाएंगे और अभी शाम में भी अम्मी लेके आ जाएंगे। चलिए बाद में आपको अपडेट करते रहती हूँ, अभी ब्लड टेस्ट उसका करे हैं तो थोड़ा आराम है, पहले से बेटर लग रहा है माशाल्लाह मेरा बेटा अभी थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा उसको हेडेक नहीं दे रही हूँ किसी भी चीज़ को लेकर मैं अभी। और मैंने सोचा अभी जहाँ तक सीखने जाता था वो टीवी का, जैसे कि मैंने आपको बताया था गाइस, मैंने सोचा कि नहीं वहाँ पे नहीं भेजूँगी, तो यहाँ पर मैं केस पेपर के लिए लाइन लगा रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरे पैरों के जो बैक साइड की नस है बहुत ज़्यादा दर्द दे रही थी, तो मैंने झट से यहाँ से केस पेपर लेकर अपना ट्रीटमेंट करवा लिया। तो रियान के लिए ये है नारियल पानी, ये एक्चुअली हमारे आंटी ला के दिए थे,
तो उन्होंने बोले कि इसको नारियल पानी जल्दी से दे दे। तो माशाल्लाह अब अच्छे से पहले से बेहतर लग रहा है वो। तो दोपहर के वक्त में मैंने उसको दाल चावल भी दे दिया है। अम्मी जल्दी जल्दी लेके आ जाते हैं ना, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। अम्मी सब बराबर चीज़ों में लेके आते हैं, और यही चीज़ है कि मेरे घर वाले मेरे साथ में है यहाँ पर, तो सभी लोग आते रहते जाते रहते, तो कोई भी चीज़ की छोटी छोटी ज़रूरत पड़ती है तो मुझे टेंशन ही नहीं लगता यहाँ पर। अभी फ़िलहाल मैं बाहर निकल रही हूँ मेडिकल के लिए, क्योंकि दवाई लेके आने का था मेरी वाली, क्योंकि बहुत दिनों से ना मेरे पैर में दर्द दे रहा था और इतना सूजन हो रही थी ना अंदर, मुझे अपने लिए जाने के लिए वक्त नहीं मिल रहा था जिसकी वजह से। तो अब यहाँ से सोची जब दवाई ले रही हूँ तो यहाँ से दवाई भी ली हूँ, और रियान के लिए ड्राई फ्रूट्स ले लेते, थोड़ा काजू बादाम पिस्ता जो भी है तो वो ले लेती हूँ। क्या करूँ अभी, अभी तो अल्लाह का शुक्र है थोड़ा आराम है, तबीयत ठीक लग रही है उसकी, अभी थोड़ा रिलैक्स। ज़्यादा क्या टेंशन ले रहा है ना, ज़्यादा प्रेशर ले रहा है दिमाग पर। कैसा है, कॉलेज जाता है ना तो वहाँ से आने के बाद उसको जो मैं भेजती हूँ ना कि चल यहाँ वहाँ गेम खेलने से अच्छा अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, कुछ ना कुछ तो तू सीखेगा लाइफ के लिए, तो उसको कैसा खुद के पर्सनल के लिए टाइम नहीं मिल रहा है जो गेम खेलता था ना उसके वजह से, और उसके वजह से कैसा ये नींद लेता नहीं है, आता है रात में 8 बजे तो गेम में बैठता है तो 9-10 बज ही जाते हैं, इस वजह से तो प्रेशर इतना ज़्यादा उसके दिमाग पर लोड हो रहा है उसको, जिसकी वजह से मैंने उसको अभी बोली जाने दे काम को मत सीखूँ, तो सिर्फ कॉलेज ही जा और अपना घर पे आ, बस जाने दे, बस आप लोग दुआ करते हुए जाइएगा इस, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, आप लोगों की दुआओं से बच्चा मेरा अच्छा भी है आज इसी तरह। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी थे, मैंने सोचा चलो काजू बादाम या फिर पिस्ता जो भी रहेगा उसके लिए ले लेते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज है, तो मेडिसिन के साथ ही साथ मैंने, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ अलग अलग भी थी ड्राई फ्रूट्स की। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा खजूर लेने का सोची, लेकिन पैकेट काफ़ी ज़्यादा महंगा भी था, करीब कुछ 200-150 का था और इतना मुझे चाहिए नहीं था, तो मैंने सोचा सिर्फ काजू बादाम और आई थिंक सो, हाँ मैंने काजू बादाम और अखरोट लिया, ये मेरी दवा है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। साथ ही साथ ये मिठाई है, मुझे बहुत पसंद आती है रसमलाई, और तो मैंने इसमें से है ना 2 ही पीस लिया गाइस, इसमें ज़्यादा नहीं, मेरा मन ललचा रहा था क्योंकि मुझे चक्कर आ रही थी पहली बात तो, और तो मैंने इसमें से 2 ही पीस लिया, एक वाइट वाला और एक दूसरा येल्लो वाला। आपको पता है 3 महीने से मेरे पैर के दर्द का इतना ज़्यादा पेन था ना गाइस, कि मैं अपने लिए खुद के लिए दवा नहीं लेने के लिए जाती हूँ, क्योंकि मैं इतनी उलझ चुकी हूँ ना, उलझनों में रहती हूँ, और आपके भाईजान का जो मोरल सपोर्ट मुझे मिल जाता है ना, जिसकी वजह से मुझे कभी कोई सी चीज़ की टेंशन नहीं रहती है, एक स्ट्रांग फील होता है। तो सुबह सुबह मैं जैसे मैं सोची चलो सब्ज़ी भी ले लेती हूँ, क्योंकि रियान को ज़्यादा वेजीज खिलाने की है, तो डॉक्टर ने कहा इसको ज़्यादा तीखा स्पाइसी कुछ नहीं खिलाना है, घर का खाना खिलाना है, और अम्मी भी खाना कर ही आते हैं हम दोनों के लिए भी। तो रियान को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, जैसे ग्लूकोस अलाइन हो गया, तो यहाँ पर अम्मी ने भिंडी की सब्ज़ी लेके आ गए थे तो, और रोटी भी लेके आए, मैंने उसको बोला कम कम खाना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि तेल ऑयल ये सब नहीं खाना है तुझे, ये मिर्ची भी अम्मी ने मेरे लिए और आपके भाईजान के लिए लेके आए। तो देखो आपको बताना चाहूँगी कि हम दोनों जो कपल है ना, अल्लाह के करम से आपके भाईजान और हमारा जो बॉन्ड है ना, अल्लाह के करम से इतना स्ट्रांग बॉन्ड है कि हम कभी किसी और की चीज़ें नहीं सोचते। आज के टाइम में लोग क्या सोचते हैं क्या सोचते हैं, हमें दोनों को फिक्र नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस डॉक्टर ने अभी अपडेट दी है कि आप लेके जा सकते हो, तो फिलहाल मैं बाहर आई हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जोमेटो से मैंने कुछ ऑर्डर करी हो, भूख लग रही थी तो इस वजह से, ठीक है आराम है। तो डॉक्टर एक्चुअली बोल रहे थे, आज ही बोल रहे थे लेके जाने के लिए, लेकिन मैं इसलिए नहीं लेके जा रही थी क्योंकि टाइम अभी के साथ और शाम के वक्त में कुछ ना हो जाए वापस से फीवर का प्रॉब्लम, ये वजह से तो मैं सोच रही हूँ एक दिन रुक जाती हूँ और कल लेके जाती हूँ। फिलहाल जोमेटो वाला आ रहा है तो उसकी दुआ करें बस जल्द से जल्द बच्चा ठीक हो जाए, ठीक तो है, लेकिन उनका खा रहा पीरा मस्त है, कोई टेंशन नहीं है। तो अभी बस मैं और अम्मी ने भी खाना लेके आ गया था, ऐसा कुछ नहीं है, अम्मी भी खाना लेके आ गए थे, बस आप लोग दुआ करते हुए जाइएगा, कल मिलती हूँ आपसे लेके जाने के टाइम पर। बस अभी खैरियत है, तबीयत ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह अल्लाह के करम से। अभी थोड़ा बस उसको थोड़ा स्ट्रेस से भी दूर रखना है, जैसे कि वो लोड नहीं ले पा रहा है दोनों तीनों साइड पर जाके, और ज़्यादा गेम में भी रहता है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा ये सोचा कि काम में ध्यान देगा तो कुछ सीखेगा। तो फिलहाल के लिए तो अभी मैं कल तो डिस्चार्ज हो जाएगा अल्लाह के करम से, ठीक है आराम पड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप लोग दुआ करिए बच्चे के लिए वो ठीक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइस अभी मैं निकल रही हूँ चाय पीने के लिए, एक्चुअली सुबह सुबह शॉप नहीं खुलती है ना यहाँ पर चाय की, सामने ही है, बंद है सरकारी हॉस्पिटल में, और तलब लग रही थी इतनी चाय की कि बहुत ज़्यादा सिर दुख रहा था, और आप तो जानते ही हैं चाय नहीं पीऊँगी तो सिर बहुत दुखता है ना, इस वजह से। आज है 12 जुलाई, 2 दिन हो चुके हैं यहाँ पे, और 2 दिन में बेसिकली अभी थोड़ा अच्छा खासा उसके अंदर इम्प्रूवमेंट भी आ चुका है और तबीयत भी अच्छी है अल्लाह के करम से।
आराम है, कोई चीज़ की यानी उतना नहीं है, बुखार नहीं ना कुछ, वॉमिटिंग किया दो दिन से, तबीयत अल्लाह के करम से अच्छा है अभी, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं मिल रहा ना उसको। कैसा घर पे सब कुछ शेड्यूल में रहता है ना पूरी चीज़ों में, तो कैसा उसको गेम खेलने के लिए वक्त चाहिए उसको बेसिकली। बुरखा बारिश बहुत ज़ोर की हो रही गई, तो उसको गेम खेलने के लिए वक्त नहीं मिल रहा है ना खुद के उसके लिए। तो फ़िलहाल तो मैं सोच रही जाने दे, टीवी का जो काम के लिए जाता था उसको मैं बंद करवा दूँगी, और चाय पीने के लिए मुझे वैष्णवी होटल जाना पड़ रहा है गाइस। एक और बात शेयर करना चाहती हूँ आपसे, मैं आपसे कह रही थी ना गाइस कि आपके जीजू की बात, मैं थोड़ी चीज़ें कुछ याद आ जाती है ना, कंपेयर हो जाती है चीज़ों को लेकर, कि इतना बच्चा मुश्किल में एडमिट हुआ, इतना बच्चा उसको बीमार हुआ है, तो वो बंदा आपके जीजू, वो बंदा ये नहीं बोल रहा कि तेरे पर ब्लेम है। मतलब मैं अपने पास्ट के बारे में अगर सोचती हूँ ना, तो वो सोचता था कि नहीं ये तेरी गलती है, तूने खाना पीना सही नहीं खिलाई, तूने ये नहीं खिलाई वो नहीं खिलाई, वो मुझ पे ढकलता था। और आपके जीजू ऐसे नहीं, वो बोलते थे होता है, मौसम है, सब कुछ है, ऐसा हो जाता है बच्चों के, इसमें नॉर्मल बात है। तो ये चीज़ की कंपेयर आप लोगों को मैं बता रही हूँ गाइस। चलिए चाय पीने के लिए जाती है वैष्णवी होटल, महंगी चाय है गाइस, आम होटल के हिसाब से रेस्टोरेंट में अपन 10 रुपये में पीते बाहर, लेकिन यहाँ पे महंगी है। चलिए पहले चाय पीती हूँ और फिर जल्दी जल्दी आज डिस्चार्ज हो जाएगा इंशाल्लाह, जाते जाते आपको मुलाकात करवाती हूँ। देखिए गाइस बारिश बहुत हो रही है सुबह सुबह, गाइस रेस्टोरेंट भी बंद है, आगे देखती हूँ। अभी आई हूँ मैं, देख रही हूँ चाय का स्टॉल, चाय पूरी दुकान ही बंद है अभी सुबह सुबह, अभी बज रहे 6:30, तो मुझे रिटर्न जाना पड़ेगा हॉस्पिटल शायद, तो गाइस मुझे रिटर्न जाना पड़ेगा ठीक है। अभी तक के रेस्टोरेंट खुला भी नहीं है, कोई भी खुला नहीं है, और रही बात है एक भी लोकल जैसा होता है ना बाहर का टपरी, वो भी खुली नहीं है। आज चाय पीने मिला नहीं मुझे ना वैष्णवी होटल में, और ना कोई लोकल बाहर है भी नहीं टपरी वो खुली थी। गाइस मैं बस बच्चे को लेकर इतनी परेशान इसलिए रहती हूँ क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आज कहीं ना कहीं जैसे सर रियान बड़ा होता है, और रियान यकीन मानेंगे फिर भी अल्लाह के करम से फिर भी कुछ 18 साल के बाद बीमार हुआ है, सलाइन चढ़ा दी है उसको, वरना कभी मेरा बच्चा बीमार नहीं होता है, कभी कोई चीज़ नहीं, ना दवाई उसको लगी है इतने सालों से, कभी नहीं, स्ट्रांग रहता है, बीमारी भी दूर रहती है उसकी, इतना ज़्यादा वो सब चीज़ों में, इसलिए मैं बस मेरी फिक्र है ना ज़्यादा है गाइस, ज़्यादा फिक्र होती है उनको लेकर, बच्चों को लेकर। अच्छा ही ना कहीं कहो ना, मैं अभी ये टाइम सोची थी तैयबा से मिलने भी जाऊँ, सच बता रही गाइस मैं तैयबा से मिलने भी जाना चाहती थी पुणे में, लेकिन पुणे में इसलिए नहीं जा रही ना, रीज़न है एक तो अभी जाने वाली थी, अब ऐसा अर्जेंट में ये हो गया इसका, दूसरी बात सोच रही हूँ अभी कैसा भी करके बच्चे से मिल के आती हूँ, थोड़ा उसको भी अच्छा लगे, उसको भी अच्छा लगे कि चलो मम्मी आके गए, वो दिवाली में आएंगी, 4 महीने बाकी है, 3 महीने के ऊपर बाकी है गाइस, सोच रही जाके आ जाओ। मैं इतनी उलझनों में इतनी इसमें रहती हूँ ना बच्चों के, वो तो अल्लाह का शुक्र है अम्मी भी आ जाते, अब्बा भी आ जाते, अम्मी टिफिन भी लेकर आते, कल भाभी छोटी वाली आए थे, भाई भी आया था कल शाम में, उन लोग भी आए थे मिलने के लिए, बड़ा भाई भी आके गया। तो ऐसा नहीं कि मेरे आसपास में जो लोग हैं ना मेरे घर वाले फैमिली वाले, वो आते हैं सब चीज़ों में, आना जाना करते रहते हैं, और दवाखाना इतना नज़दीक पड़ जाता है ना उड़न में रहकर, तो ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ ठीक, बात यह है कि यहाँ पे बाइक होना ज़रूरी है, क्योंकि घर से लेके ट्रैवल ऑटो वाला लेता है 100 से 150 रुपये, बहुत भारी पड़ जाता है। और सुबह सुबह तो कल मुझे जाना था घर पे, 100 रुपये मैंने दिए ऑटो वाले को। चलिए गाइस टपरी खुलेंगी यहाँ पे, हॉस्पिटल के सामने आ गई हूँ मैं, तो शाम में अभी थोड़ी देर में शायद 8 बजे तक खुल जाएंगे, तो चाय पीऊँगी यहाँ से। सुबह सुबह 6:30 बजे ये डॉक्टर ने आ गई थी, तो उन्होंने इसको सुबह सुबह इंजेक्शन इंसुलिन भी लगाया है इंजेक्शन देकर, ताकि आज का डिस्चार्ज का डे है और आज डिस्चार्ज लेना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि डॉक्टर ने कल ही बोला था कि आप लेके जा सकते हो डिस्चार्ज, लेकिन फिर भी मैंने रात का दिन पूरा वेट करवा दिया। और ये रहा केस पेपर, मिल चुका है फाइनली डिस्चार्ज का, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह बेटा तो ठीक है, अल्लाह के करम से, बस दुआ करिए आप लोग मेरा। ये 2 बार खाने के बाद, नाश्ते के पहले एक एक ही दिन में, दिन में 2 बार खाने के बाद, बाद खाने के बाद 2 टाइम खाने से पहले लेनी है, ये खाने के पहले, खाने के पहले, खाने के बाद ठीक है। डिस्चार्ज हो चुका है अभी, और अभी अपडेट ये है कि डॉक्टर ने, जैसे कि मैं पहले भी आपको समझाते हुए आई हूँ गाइस, के डॉक्टर ने रियान को भी समझाया इस बारे में कि ज़्यादा मोबाइल का एडिक्शन मत बन, कुछ नहीं हो पाएगा लाइफ में, उन्होंने भी अपने हिसाब से समझाया ये चीज़ बताया कि ज़्यादा मोबाइल में रहने कर तो अपनी लाइफ ख़राब कर रहा है, हर बात डॉक्टर बता रहे थे। तो डिस्चार्ज हो गया है, दवाई मेडिसिन हो गई है,
सिर्फ एक दवाई बाहर की रह गई है जो लेकर आना है। अभी फ़िलहाल मैं चाह रही हूँ चाय लाने। जैसे कि अभी 9 बज रहे हैं गाइस, 9 बजे भी कोई भी स्टॉल खुला नहीं है अभी तक, अब बारिश भी बहुत ज़ोरों की हो रही है। तो वैष्णवी होटल जा रही हूँ चाय लेके आने के लिए। सोचो इतना दूर मुझे जाना पड़ रहा है चाय लाने के लिए सिर्फ। चलिए निकलती हूँ गाइस, फिर फटाफट चाय लेके घर पहुँचना है। और सच क्यों ना, मुझे टाइगर और कैंडी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मैं 2 दिन से कैसा रह रही हूँ ना उन लोगों के बिना, मेरे को नहीं पता। लिटरली ज़्यादा टाइगर को ज़्यादा, ठीक है कैंडो को तो ठीक है, वो तो मेरे पास ही रहता है और रियान के पास ज़्यादा रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे लिए ना, सबसे ज़्यादा मेरे लिए है कि टाइगर, ठीक है ज़्यादा टाइम मेरे साथ बिताता है ना, वो भी बाहर घूमना टहलाना। तो इस वजह से गाइस मैं बहुत ज़्यादा याद करी मेरे बच्चों को, टाइगर को। चलिए मैं चाय लेके फटाफट में निकलती, बहुत बारिश हो रही है, फटाफट निकलती हूँ। तो इंसुलिन निकालने के बाद रियान को सिस्टर समझा रहे थे, देखो ज़्यादा मोबाइल नहीं देखना, और डॉक्टर ने भी एडवाइस दिया इसे ज़्यादा मोबाइल में नहीं रहने का, अपना है ना ख्याल रखने का। अभी तुम बड़े हो रहे हो, 18 साल के हो रहे हो, बार बार सिर्फ अपने मम्मी को ही बोलने नहीं लगाने का, तुम बड़े हो समझदार हो, अपने हिसाब से अपने पेरेंट्स की बात सुनने का। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है बेटे का मेरे, हाँ देख तो सलाम तो कर, व्यूअर्स को काफ़ी टाइम हो गया। चलिए गाइस अभी निकलते हैं हम लोग, टाइम हो गया है, बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है इसलिए हम लोग निकलते हैं। और डॉक्टर लोग ने सलाह भी दी है कि ज़्यादा क्या बोले, ज़्यादा ज़्यादा मोबाइल ना देखे, ज़्यादा बस अपने करियर पर ध्यान दे, बस दबाव निकाल मत लेगा। चलिए गाइस निकलते हैं, बारिश भी हो रही है, ऑटो बाहर मंगा के रखे हैं, तो मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह। ऑटो दुआ करना बस, अभी ज़रा ध्यान रखें अपने आप पर भी, ठीक है। चलो पैकिंग देखिए, बर्तन कितने रह गए थे, अम्मी तो लेके जा रहे थे, पैकिंग हो गई, चलो बैग ले लो। तो दुआ में याद रखिए गाइस, आप लोग सभी प्लीज़ मेरे बच्चों के लिए दुआ करिए ताकि उसकी हेल्थ अच्छी रहे। बस सोच मैं हमेशा उसको समझाती हूँ और पूरी कोशिश भी करती हूँ, तो दुआ ज़रूर करना।